ठीक है, तो गेट मैथमेटिक्स के लिए ना ये बोल रहा था कि कोई भी ब्रांच वाले हो, ठीक है, तो जनरल जो मैथ है सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में आता है सबसे पहले लीनियर एलजेब्रा। ये हमारा सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लीनियर एलजेब्रा। यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन तो बना सकते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा में सबसे पहले टॉपिक आता है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के बाद आता है मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स जो मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके जो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस सिलेबस लीनियर एलजेब्रा के अंतर्गत में हम लोग को फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जैसे डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेबस भी, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, सिलेबस में सबसे पहला आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट है, सेकंड है मैट्रिसेस, थर्ड इसमें हम लोग पढ़ते हैं आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर, ठीक है, आइगेन वेक्टर। और हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जनरली इतने टॉपिक में कवर करेंगे, इसी में पूरा मैट्रिसेस आ जाएगा, पूरा डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, आइगेन वैल्यू, आइगेन वेक्टर और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इन सभी टॉपिक से कवर करोगे तो मैं एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डिटरमिनेंट का और मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट होता क्या एक्चुअल, ठीक। डिटरमिनेंट अभी सब लोग उसमें जुड़ गए हैं क्या, तो मैं स्टार्ट करूँ कि क्लासेस को। और आप लोगों को वर्ड क्लियर दिख रहा है सभी लोग को, बड़ा लिखिए। और बड़ा लिखूं? यस सर, थोड़ा सा बड़ा। ये तो ठीक है, मतलब आगे जो पढ़ाओ थोड़ा सा बड़ा लिखते। ठीक। इसमें जो टॉपिक है हम लोग का डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है, स्केलर नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं है ये, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, इसमें रो और कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉलम के। रो मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ एंटिटीज होते हैं, एंट्री होते हैं, A11, A12 सफिक्स में लिखा जाता है, बेस में 1 1 1 2 लाइक इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, A12 -A1N लिखा जाता है। इसी प्रकार से सेकंड में होगा तो A21 होता है, A22 होते हैं और A2N होते हैं। इधर भी डैश 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 बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसमें, A N1 A N2 डैश 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 A N N होते हैं। ये जनरली N/N का होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सारे होते हैं इसमें इनको रो बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, पूरे हमारे रो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो चलती है इनको हम रो बोलते हैं, और जो खड़ी वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन है, इनको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इनको कॉलम बोलते हैं। ऐसे एन कॉलम होते हैं हमारे, तो रो और कॉलम से जो मिलकर बनता है वो मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट से निकाला जाता है ये इसकी वैल्यू। डिटरमिनेंट से एक ऑपरेशन है, ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस है एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसकी जो इसमें जो मैट्रिक्स में एंट्रीज होते हैं उनकी एक वैल्यू मिलेगी। आपको तो दिख रहा है पढ़ा, लेकिन इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आता है, एक स्केलर नंबर आएगा, ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट बन जाता है।
बट इसमें पहले ये जान लो कि ये होता है, ये जो हमारे यहाँ फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो होता है, ऐसे चलते हुए जाते हैं हम लोग, ये हमारे एंथ रो होते हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकंड कॉलम होते हैं, इस तरह से एन कॉलम होते हैं। इनमें हम इस एन बाई एन को क्या बोलते हैं, इसमें ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑलवेज एन बाई एन, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तभी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है ऑलवेज एन बाई एन के लिए ही होना चाहिए। अगर रो और कॉलम बढ़ा दोगे, कम ज्यादा कर दोगे, तो कभी भी डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें जरूरी होनी चाहिए कि एक तो उनका ऑर्डर जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनको हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आई और ये जो जे होता है, इसमें ए आई जे लिखते हैं, वन वन मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसी लाइन में बढ़ रहे हो तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम है। फिर बढ़ते जाओगे तो फर्स्ट रो ये सेकंड के कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड में आओगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कहते हैं। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज जो होता है, हम लोग मैट्रिक्स का यूज कहाँ करते हैं, जनरली सिटिंग प्लान में करते हैं। सिटिंग प्लान मतलब कहीं बैठने की व्यवस्था करना हो, जैसे कहीं पर आपको, आप एग्जाम देने जाते होगे कॉलेज वगैरह में, कहीं भी जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल रहता है, ठीक है। हॉल में क्या करते हैं अपन, हम अपने रोल नंबर से हमारे एंट्री लिखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमको कहीं पर एक जगह, जैसे ये मेरा रोल नंबर है, इस रोल नंबर में मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिटिंग करना है। इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप कैसे बैठा जाता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, इन्हीं को देखते हैं, ये कौन सी लाइन है, ये फर्स्ट रो है, ये कौन सी लाइन है, सेकंड रो, सेकंड रो में कॉलम काउंट करते हैं, सर फर्स्ट कॉलम है, सर सेकंड कॉलम है। बोलो, हेलो हाँ बोलो। सर, वॉइस लैग हो रही है आपकी, वॉइस लैग हो रही है। नहीं सर, नहीं हो वॉइस रही क्लियर नहीं आ रहा, सर क्लियर है, आ रही आवाज क्लियर है, सही है सर, वो नेट प्रॉब्लम यस हो सर, रही थी। क्लियर है सर। अगर ऐसे बोर्ड में अगर आपको तो क्लियर नहीं शो होगा ना, जो मैं लिख रहा हूँ अगर बोर्ड में नहीं शो होगा, तो ऐसे कॉपी में पेन लगा के फिर सामने में रख दूंगा पास, तब आपको क्लियर होगा दिखेगा, ठीक है। तो आज अभी पहले क्लास ऐसे देखते हैं, अगर अगर सब लोग को क्लियर दिखेगा तो अपन इसी पे करेंगे, अदरवाइज मैं कॉपी में फिर हैंड टू हैंड बना के फिर क्लियर है बताऊंगा, सर, ठीक है। सर क्लियर रहता है। ओके ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या देखते हैं, ये सिटिंग प्लान में बैठते हैं, तो ये जैसे एंथ कॉलम है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे मेरा रोल नंबर ये मैच कर रहा है तो मुझे जाना है वहां पर बैठना है, तो कैसे काउंट करूंगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो छोड़ के ये सेकंड रो है, सेकंड रो में जाके एन कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और ये एन कॉलम में जाके सीट कर देगा। तो ये होता है हमारे सिटिंग प्लान। अगर इस सिस्टमेटिक तरह से बैठोगे तो कम जगह में, यानी आपका स्पेस अगर कम रहेगा, कम स्पेस में हम मैक्सिमम पर्सन को वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा लॉजिक बताऊं कि अगर हम कभी पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में अगर सिर्फ चेयर लगे हुए, कहीं भी चेयर, अब कोई भी आ रहा है, कहीं भी अपना कुर्सी उठा रहा है, कहीं भी बैठ जा रहा है, इससे क्या होगा, वहां थोड़ा सा वो हो जाएगा, डेंसिटी वहां पर अलग टाइप की लगेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सब कुर्सी लेके कोई ऐसे टेढ़ा बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, तो वहाँ स्पेस भले ज्यादा रहेगा लेकिन हमको क्या लगेगा कि यार लग रहा भीड़ भड़ जाएगा, मतलब वो कवर सही नहीं कर पाएंगे। अगर हम उनको सिस्टमेटिक बैठा दें, ऐसे लाइन से एक कुर्सी लगा दें, यहीं पर बैठना है, फिर इसके पीछे एक लोग और बना दिए लाइन से बने, हम क्या करते हैं, कम स्पेस में भी क्या कर सकते हैं, वहां पर मैक्सिमम पर्सन को सिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यही बोला जाता है कि मैट्रिसेस का यूज जनरली सिटिंग प्लान में ही किया जाता है। अब उसी का ही एक ऑपरेशन है डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट भी एक मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन जनरल मेथड में देखा जाए तो डिटरमिनेंट जो है एलिमिनेशन होता है किसी इक्वेशन में जो अननोन्स होते हैं, अननोन मतलब जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अननोन को अगर हटा दोगे तो भी वो एक डिटरमिनेंट कहलाता है। तो उसको भी मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ, अभी बस आपको ये समझा रहा था कि डिटरमिनेंट का साइन ये रहेगा, इसमें इसको ऑर्डर बोलते हैं, इसको सारे को एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमारे, और ये हमारे ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एंट्री है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एंट्री होता है, फर्स्ट रो एन कॉलम का एंट्री होता है। ये अभी हमारा एंट्री है, इसमें रो इस साइड के पूरे रो होते हैं हमारे, और ये हमारे जो स्ट्रेट लाइन ऐसे खड़ी खड़ी लाइन रहती है, इनको हम कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसमें हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो रो कॉलम और एन बाई एन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि डिटरमिनेंट के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट बाई एन बाई एन का होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एन बाई एन नहीं ले रहे, यानी कि नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से क्या कर दे, कम ज्यादा कर देंगे, तो
तो आपका वीवी डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये था बेसिक इसके लिए कि डिटरमिनेंट निकालना है तो हम लोग को क्या क्या चीजें चाहिए, रो कॉलम और ऑर्डर। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम एन बाई एन का। अब डिटरमिनेंट में भी इसमें भी है ऑर्डर, पहला अगर आपका ऑर्डर क्या हो, वन हो, ऑर्डर वन मीन्स वन बाई वन का अगर ऑर्डर ले, तो मान लो कोई ए है, ठीक है, डिटरमिनेंट को ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू लिख दिया हूँ माइनस थ्री, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस थ्री। कई बच्चे इन्हें मॉड पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल, ये मॉड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये है क्या है, ओनली नोटेशन है, जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। नोटेशन क्या है, यहाँ पर मैं नोटेशन लिख देता हूँ, तो डिटरमिनेंट भी एक तरफ से नोटेशन ही है, ठीक है, ये जो नोटेशन है क्या, इसको क्या बोलते हैं, रीड क्या करते हैं, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, ठीक है, इसको क्या नहीं कभी पढ़ोगे, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, मॉडुलस कभी भी नहीं पढ़ोगे, इन्हें हमेशा आप डिटरमिनेंट ही पढ़ोगे। मॉडुलस पढ़ोगे तो मॉडुलस क्या होता है कि ये निगेटिव वैल्यू नहीं देता, पॉजिटिव देता है, ठीक है। बहुत से बच्चे ट्वेल्थ में पढ़काए होते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, ऐसा बोलते हैं, इसको मॉड ए बोलते हैं, तो मॉड नहीं है ये, डिटरमिनेंट है। जो बच्चे पढ़ कर आए हैं वो गलत पढ़ कर आए हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये मॉड ए नहीं होता है, ये होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे इन्हें मॉड ए ही पढ़ते हैं बट मॉड ए नहीं। तो वन बाई वन का क्या होता है डिटरमिनेंट, अगर आपका वन बाई वन यानी कि एक रो और एक कॉलम हो तब आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो जो नंबर होंगे वही उसका डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, ओनली माइनस का। लेकिन अगर यही आपका ऑर्डर बदल दिया जाए, ऑर्डर कितने का हो जाए, ऑर्डर अगर टू क्रॉस टू का होगा यानी कि दो रो और दो कॉलम हो जाए, इन केस में क्या होता है डिटरमिनेंट जानते हो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये दो बाई दो के हैं, दो रो हैं और दो कॉलम है। अगर आपसे पूछा जाए इनका डिटरमिनेंट निकालो, तो आप इनका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस करेंगे, मतलब ए को मल्टीप्लाई डी से, तो क्या आएगा ए डी, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, ए डी माइनस बी डॉट सी, ये बी सी, तो ए डी माइनस बी सी करोगे ये दो बाई दो के क्या कहेंगे आपके, डिटरमिनेंट कहेंगे। और ये आता कैसे है, तो इनको लाने के लिए जो प्रोसेस बता रहा था, जैसे सपोज करो एक लीनियर इक्वेशन है, सपोज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, लीनियर इक्वेशन कैसे है, मान लो ए वन ए एक्स, ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो दे दिया, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, वन वेरिएबल का एक इक्वेशन। एक और दे दिया सी एक्स प्लस बी इक्वल जीरो दे दिया, ध्यान से देखते हो गए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। अगर आपसे पूछे कोई ये क्या है, जब एक से ज्यादा इक्वेशन होते हैं तो उन्हें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कितने वेरिएबल का, अगर आपसे तो पूछे कि वेरिएबल बताओ कितने वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल, आप बोलेंगे ओनली एक्स, एक्स क्या है इसमें वेरिएबल है, और ए और बी क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर ये जो एक क्या है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर मैं इसमें एलिमिनेट कर दूं, एक्स का रिमूव कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट वही है जिसमें एक्स की वैल्यू को हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है, जो इनके सॉल्यूशन होते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई। तो क्या होगा अगर मैं एक इक्वेशन वन से, मान लो ये वन है इक्वेशन, ये इक्वेशन टू, अगर मैं बोलूं वन इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर मैं क्या किया जाए एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या मिलेगा पता है, ए एक्स इक्वल में क्या है, ए एक्स इक्वल है आपका तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस सड़ जाएगी तो माइनस का बी आएगा। यहां से अगर मैं एक्स वैल्यू निकालने बैठू तो
हेलो सर, सर आपकी वीडियो फ्रीज है। हेलो सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो, मैं एक सेकंड पूछ सर आपका वीडियो अपने आप फ्रीज हो गया था अभी, और ऑडियो आना पूरा बंद हो गया था। करता हूँ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, तो मेरा बोर्ड में तो कुछ नहीं दिखता काम। सर अभी तक सब कुछ अच्छा था सर, वीडियो भी अच्छा था और ऑडियो भी अच्छा था, अचानक से हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग आया क्या? हाँ गया। सर, हाँ सर, आ गया। यस सर, ये जो समझाया, समझ आया सर जो बता रहा था? सर वहां से दोबारा बता देंगे सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो दो इक्वेशन लिखे थे उसके बाद सर फिर सब कुछ चला गया था, तो सर कुछ समझ नहीं आया उसके बाद। जो दो ओके इक्वेशन ओके। लिखे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद से बता दीजिए। ये लाइन ना देखो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है जनरली? ये वन वेरिएबल के कितने इक्वेशन है? टू इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन कितने हैं, दो इक्वेशन है। वेरिएबल कितना है? एक है। इसको बोलते हैं वन वेरिएबल और टू इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन है वन वेरिएबल के। तो ax प्लस बी होता है, दूसरा सी एक्स प्लस डी होता है। अगर मैं बोलूँ इनको सॉल्व करके एक्स को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करना मतलब जिसमें एक्स ना हो, ऐसे को एलिमिनेट करोगे तो कैसे किया जा सकता है? देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखा हूँ, ए एक्स इक्वल माइनस बी होता है, यहाँ से ट्रांसफर करो, ए एक्स प्लस बी है, उस साइड जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से एक्स की कितनी आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पर? इक्वेशन नंबर टू। तो क्या मिलेगा बताओ? सी डॉट एक्स मिलेगा, माइनस बी बाई ए किया प्लस डी इक्वल जीरो चल रहा है। यहाँ से माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी इक्वल जीरो हो गया। ए को इधर राइट साइड भेजोगे तो ए टी, ठीक है, और ए इधर चले जाएगा, एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेके ए को साइड में भेजोगे तो ए डी, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ए हट जाएगा। तो क्या मिला? देखो, ए डी पॉजिटिव है, बी सी निगेटिव, इसको ऐसा अरेंज कर दिया, ए डी माइनस बी सी इक्वल जीरो मिल गया। और जब मैं आपको डिटर्मिनेंट सिखाया था, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो देखो क्या मिलेगा। पहला पहला नंबर देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या जाएगा? ए डी माइनस बी सी। तो ये देखो कितना, ये मेथड लॉन्ग मेथड हो गया, ये मेथड शॉर्टकट मेथड हो गया। मतलब कोई दो इक्वेशन दिए रहेगा, उसमें से बोले एक्स को एलिमिनेट करो, तो हम क्या करेंगे? इसके सामने को कोफिशिएंट और ये वाले कोफिशिएंट दोनों को लिख दिए, सी और डी लिख दिए, ए डी माइनस बी सी कर दिए, डायरेक्ट आपका आंसर। इसी को ही तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसी को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं, एका डिटर्मिनेंट। बट ये मेथड क्या हो जाता है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर तब भी वही देता है। तो यहाँ पर हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। बट आपको ये कहीं नहीं बताया जाता है कि इस मेथड से भी डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो हम लोग एक्चुअल में डिटरमिनेंट इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने आप में एक नंबर होता है। जैसे अगर मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अब याद रखो डिटरमिनेंट को कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी इन जनरल मतलब ये वाले मेथड से ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीन नोटेशन है आपका, ए का डिटरमिनेंट ऐसे, या फिर डिटरमिनेंट है, या फिर डेल्टा, ये सभी नोटेशन होते हैं डिटरमिनेंट के। तो अगर मैं आपको 2 बाई 2 का कोई दे रहा हूँ एग्जाम्पल, सपोज करो ए है आपका 2 4 6 8,
बताओ ये कितने भाई 2x2 का है, मतलब दो रो है और दो कॉलम है। देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने बाई कितने का है, तो आप बोलोगे 2x2 का। इनको शॉर्टकट में बोलेंगे हम ऑर्डर 2 का ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इनका जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 2.8 माइनस 4 × 6, तो कितना आएगा 16, 80 का 16 माइनस 24 कितना आएगा माइनस का 8। ये जो है आपका डिटरमिनेंट बता दिया। तो डिटरमिनेंट सर वो ट्रायंगल का मतलब क्या होगा सर? डिटरमिनेंट ए के बगल में ट्रायंगल शेप बनाऊं? हां, ये भी डिटरमिनेंट का ही नोटेशन है। कई जगह ये वाला नोट करते हैं, कई जगह ऐसे लिखते हैं, कई ऑथर ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। ये नोटेशन यहां पर डिटरमिनेंट को ही रोटेट करता है। तो नोटेशन यहां पर तीन तरह से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे ए रिप्रेजेंट कर दो, ये भी मतलब समझ जाओ डिटरमिनेंट को, या तो ऐसे ए लिख के ऐसे एंट्रीज तो वो भी डिटरमिनेंट बताता है, या तो पूरा ऐसे थ्योरिकली लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब इस तरह से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो 2x2 का कैसे निकालेंगे, देखो 2, 4, 6, 8 रहेगा, ऐसा कोई भी नंबर रहेंगे अरेंज रहेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 × 16 माइनस 4 × 6 24 सॉल्व करोगे तो माइनस है। मतलब देखो मैं लिया था 2x2 का, आंसर क्या मिल रहा मुझे, स्केलर एक नंबर मिलेगा आपको हमेशा। यही क्या होता है डिटरमिनेंट होता है। तो 2x2 यानी कि ऑर्डर 2 में किसी को डाउट है तो बताओ, ऑर्डर 2 का अगर आपसे पूछा जाए डिटरमिनेंट क्या है, तो आप लोग इजीली तरीके से निकाल लोगे डिटरमिनेंट? यस सर। अब बात करते हैं 3 ऑर्डर, जब 3 ऑर्डर का हो डिटरमिनेंट तब कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। तो 3 ऑर्डर के थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। सपोज ए की वैल्यू है आपका 1, 2, 4, -2, 6, 4, 2, 8, 0, कुछ भी मैं इन जनरल अपने मन से दे रहा हूँ। ये ए है, डिटरमिनेंट का नोटेशन ऐसा रहता है, ठीक है। ए दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट, ए निकालिए, ए का डिटरमिनेंट बताइए क्या है। तो जब 3x3 ऑर्डर कितने का इसका, 3x3 का, मतलब ऑर्डर 3 बोलते हैं, तीन रो तीन कॉलम है, ठीक है। तो जब इनका डिटरमिनेंट करेंगे तो इनको सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है इनको, लेकिन अभी ये जो मेथड बता रहा हूँ वो ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहला तो लाइन से फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर लो, एक्सपॉन्ड कर लो। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होता है, पहला वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी, बट अभी पहले क्या है शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ। 1 लिखा, ऐसे 1 लिखोगे, इसको और इसको क्या करोगे, हाइड करोगे। जिस नंबर को लेते हैं उसको रो और कॉलम को ऐसे हाइड कर देना, कट कर देना। अगर मैं जब किसको ले रहा हूँ, 1 को ले रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूंगा 1 को ले रहा हूँ, तो बताओ इस 1 को ले रहा हो तो इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे कट करोगे, रो को और कॉलम को कट करोगे। तो बताओ यहाँ पर ये और ये हाइड हो जाएंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, 6, 8, 4, 0 ये दिखाई देगा। सेकेंड टर्म स्टेप में माइनस लिखा जाता है, माइनस लगा के जो वैल्यू लिखी रहती है वो वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। और माइनस 2 में क्या आएगा, इसको हाइड करोगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को कट करोगे, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कट करोगा तो माइनस 2, 2, यहाँ से 4, 0 दिखाई देगा। फिर प्लस करते हैं और प्लस करके 4 लिखोगे, अल्टरनेट रहता है, पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से चलते रहता है। और जो नंबर रहेगा यहाँ पर वो वैल्यू एज इट इज उतारो, फिर इसको कट करोगे यानी कि हाइड कर दो इसको, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2, 2, 6, 8 ये मिलेगा। और आपको अभी हम 2x2 के सिखाए थे कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 वैसे ही चलेगा, 6 × 0, 0 माइनस 8 × 4 32 माइनस 2 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 0 हो जाएगा, माइनस लगाते 4 × 2, 8 हो जाएगा, प्लस 4 लिखोगे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना होगा, माइनस 16, बीच में माइनस लगता है, 6 × 12। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 32, 32 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस 32 ही आएगा, ठीक है। माइनस 8 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगा, प्लस का
16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 4 लिखोगे और इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना होगा माइनस में 28, ठीक है माइनस 28। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 32 में से 16 गया माइनस का 16 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 28 इंटू 4 करोगे 832 हो गया, 3 और 4 में 8 11, ऐड हो जाएगा ये भी, ऐड करोगे कितना आएगा 2 माइनस 128। ये जो है इसका क्या है डिटरमिनेंट, थ्री ऑर्डर थ्री के, ठीक है जिनका ऑर्डर क्या हो थ्री हो, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, थ्री ऑर्डर के किसी को डाउट है कहीं बताओ। क्लियर सर, क्लियर है सर। ओके, अब इसमें भी देखो, अब मैं तो ये ओनली किस रिस्पेक्ट में किया था, ओनली फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया था, आपकी मर्जी आप सेकंड रो के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, थर्ड रो के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है फर्स्ट कॉलम के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, जैसे भी करोगे तीन ही आएंगे। अगर मैं मान लो अगर ये 2, 6, 8 के रिस्पेक्ट में करना चाहूँ, कौन सा कॉलम है ये सेकंड कॉलम, अगर कॉलम सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये नंबर 2, 6, 8 आएगा, यहाँ पर 2, 6, 8 आएगा। लेकिन प्लस माइनस को आपको ध्यान देना है, ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया, ठीक है उसके पीछे लॉजिक है। ये प्लस वन का जगह का नंबर होता है, प्लस वन कौन सी जगह पोजिशन पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, मतलब आपको ये समझना है यहाँ पर A11 होता है, यहाँ A12 होता है, यहाँ पर A13 होता है, यहाँ पर A21 होता है, यहाँ 22 होता है, 23 होता है, ठीक है यहाँ पर A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेटर देखना है कि मैं जो ये वाले फर्स्ट वाले रिस्पेक्टिंग किया था तो 1 1, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस 1 की पावर में i प्लस j, जो भी नंबर ले रहे हो उनको हमको क्या करना रहता है प्लस करके लिखना रहता है, ठीक है जैसे 1 1 तो माइनस 1 की पावर क्या होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 की पावर 2 मतलब माइनस 1 की पावर 2, 2 मतलब कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस 1 की पावर, ये वाला जब सॉल्व करोगे माइनस 1 की पावर में 3 हो जाएगा और माइनस 1 की पावर 3 मतलब माइनस ही होता है, इसलिए माइनस आया। सिमिलरली जब ये वाला नंबर आया तो 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, तो इसलिए माइनस 1 की पावर 4 होगा जिससे पॉजिटिव देगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी, लीनियर इक्वेशन बनेंगे तीन वाले के लिए, तो यहाँ पर तीन तीन इक्वेशन रहेंगे और नंबर वेरिएबल दो रहेंगे, एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये इक्वेशन बनेगा कैसा बनेगा आपका ऐसा ए एक्स मैं डायरेक्ट ए बी के फॉर्म में लिखा, A11x प्लस A12y प्लस A13 इक्वल जीरो ऐसा मिलेगा, ठीक है यहाँ पर आएगा A21x प्लस A22y प्लस A23 इक्वल जीरो, यहाँ पर रहेगा आपका A31x प्लस A32y प्लस A33z नहीं है कौन सा, इस तरह से ले ले। अब इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, पता है किसको किसको, x को और y को, तो इन दोनों को किसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको फिर इन दोनों को सॉल्व करके y निकालना पड़ेगा, लाके किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो इन जनरल आपका यही पैटर्न बनेगा, लास्ट में फाइनल जो आंसर आएगा वो यही आएगा, बट ये प्रोसेस जो करोगे ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा ही नहीं, इसको बनाने बैठे हुए करीब करीब आपको 8 से 9 मिनट का समय खाएगा, जो कि इतना समय बिल्कुल नहीं होता है इक्वेशन कि आप 8 से 9 समय दें, ये समय आपको 1 मिनट से 2 मिनट में सवाल इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है तो ये मैं अभी पहले ये भी मैं लॉन्ग प्रोसेस बताया आप लोग, अब ये बेसिक है करके इसलिए यहाँ थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, अभी इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है एकदम एकदम इजी, मतलब आप देखोगे ऐसे हाँ ये इसका डिलीवर नहीं आएगा ऐसा बता दूंगा, ठीक है तो इसके लिए कुछ लॉजिक है, और क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन नहीं देता है, इन जनरल अपने मन से उठा के नहीं देता है, वो ट्रिकी वाइज वाले क्वेश्चन ही देते हैं, जिनको ट्रिक पता है वो ट्रिक से जाते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो उनका टाइम क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, ठीक है और हम लोग को यहाँ पर समय क्या करना है बचाना है।
अब इसमें भी जिसको प्रॉपर्टीज याद रही तो तुरंत बता देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या, जैसे अगर देखो एक नोट करके लिख रहा हूं, पहला मैं बोलूं इसका डिटरमिनेंट निकालो, आप कितना निकाल पाओ, 1 2 3, 1 2 3 4 8 9। अगर आपसे पूछा जाए इसका डिटरमिनेंट, आपको ट्रिक बिल्कुल नहीं मालूम, आप इसको सॉल्व करने बैठे, सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, टाइम कब आओगे, अंत में फाइनल में आंसर पे पहुंचोगे, बट आपका टाइम तो लॉस हो चुका रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट अभी मैं देखो इसको क्या कर रहा हूँ, पहले बिना मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि अभी जो मेथड अभी समझाया था आपको एक्सपॉन्ड करने वाला, उस एक्सपॉन्शन मेथड से हम लोग कर रहे हैं। एक्सपॉन्शन मेथड देखो, अब जरूरी नहीं है, अभी आपको मैं सिखाया था ना फर्स्ट रो के रिजल्ट में क्या था, जरूरी बिल्कुल नहीं है फर्स्ट रो के रिजल्ट में, सेकंड कॉलम कर लो तो भी आंसर आएगा। देखो मैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में करना चाहो, ठीक है। तो देखो तो भी आंसर सेम आता है किसी भी मेथड से, हमको सॉल्व डिटरमिनेंट सॉल्व करने के इन जनरल 9 6 मेथड है, 3 रो है 3 कॉलम है, तीन तीन रो के हिसाब से जा सकते हैं, 3 कॉलम के हिसाब से जा सकते हैं, आंसर आपका हर जगह से सेम होगा। अगर मैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आपको ये पोजिशन का जगह पता करना पड़ेगा, कौन सा पोजिशन होता है, तो ए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब आपका 2 1, और फिर जोड़ने पे कितना हो गया 3। जब ये और हो जाए तो आप चुपचाप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, और जो नंबर है वो लिखोगे, फिर इसको हाइड करोगे, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करोगे, तो मिलेगा 1 4 3 9, 1 4 3 9 मिलेगा। सेकंड में इस नंबर को चाहिए मुझे, ये जगह का पोजीशन होता है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 मतलब ऐड करोगे तो 4 होगा, तो -1 की पावर 4 का मतलब होता है पॉजिटिव, यहाँ पर हमको पॉजिटिव लिखना है, और जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं सर, और सेकंड को बात बात करोगे, यानी कि किसको किसको क्या करोगे, ये सेकंड लाइन कट करोगे फर्स्ट लाइन को कट करोगे, तो कौन मिलेगा, 1 कॉर्नर मिलेगा, 1 3 4 9 मिलेगा। अगला जब हम किसको करेंगे, 8 को, इसका पोजिशन नंबर क्या है, थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि -1 की पावर में 5, और -1 की पावर 5 का मतलब होता है -1, तो यहाँ पर आंसर क्या है, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम माइनस लिखेंगे, माइनस लिखोगे और इस नंबर को लिखोगे ऐसे 8 टाइप करोगे तो क्या मिलेगा, तो इसको इसको कट करोगे तो 1 1 3 3, 1 1 3 3 मिलेगा, ठीक है। आंसर देखना घूम फिर के आंसर कितना आएगा, अंत में 0 ही आएगा, चेक करते हैं क्या आता है, -2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9 -12, ठीक है, +2 करेंगे कितना आएगा, 9 -12, फिर -8 करेंगे 3 -3, ठीक है। अब बताओ ये कितना आएगा, -2 × 12 में से 9 गया -3, ठीक है, +2 × 9 गया -3, प्लस ये कितना हो गया, -8 × ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आएगा, +6, यहाँ सॉल्व करोगे तो -6, पहले से वो 0 हो चुका है, 6 -1 0 हो गया, तो देखो क्या है इसका डिटरमिनेंट कितना है 0। तो मुझे पता था इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, बट कैसे पता था, तो यही पे एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है अभी दिखाने जा रहा है। पहली प्रॉपर्टी होती है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर्वो प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर किसी भी दो अगर रो सेम है तो वो जीरो डिटरमिनेंट 0 आता है। आता है, वेरी गुड, वही है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के लिए या मैट्रिक्स के लिए अगर कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम 2, ठीक है, एनी 2 रो एंड एनी 2 कॉलम आर क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब इक्वल हो जाए या सेम हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 आता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ गए आप लोग कि भैया यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दिख रहा था 1 2 3, 1 2 3, दो रो क्या है आपस में आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो इस वजह से इसका क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 आता है। पहला प्रॉपर्टी तो यही होती है कि कभी भी कब होगा, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए आइडेंटिकल, रो जो है 2 रो रो या कॉलम क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, अभी थ्योरी नहीं लिखा रहा।
थ्योरी का तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा, मैं मेरा काम है अभी समझाना, थ्योरी तो मैं लिख के आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी तो यही हो, इसी से निष्कर्ष निकलता है सेकंड प्रॉपर्टी कि किसी भी रो में, ठीक है, एनी रो या कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में क्या हो जाए, पूरे एक एलिमेंट, पूरे एक रो में या एक कॉलम में एलिमेंट का हो जाए जीरो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब का हो जाए जीरो, तो भी आंसर जीरो आता है। मतलब अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए टू फोर ये जीरो 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 वन टू जीरो, तो आपको क्या दिख रहा है इस लाइन में, क्या दिख रहा है सारे एलिमेंट क्या है इस रो में और एलिमेंट्स क्या है किसी भी एक रो में, अगर ऑल एलिमेंट्स आपके जीरो के, इनका भी आंसर जीरो ही आता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी तो ये हो, पहले प्रॉपर्टी सेम हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी कहीं भी जीरो होगा तो भी, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी तो यही हो, तो प्रॉपर्टी वाइज ही चेक किया जाता है कभी भी फीचर में। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी ए और ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए का ट्रांसपोज कुछ और नहीं होते हैं, अगर वन टू थ्री फोर है इसको ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, वन टू थ्री फोर, ठीक है, एवरी रो इंटरचेंज इन कॉलम करस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बैठाया जाता है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बैठाया जाता है, ये इसका ए का ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, निकालो सर थर्ड बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑल रो को इंटरचेंज कर दो तो भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अगर ए आपका क्या है वन टू फोर नाइन, ठीक है, मैं इसको ए इसका डिटर्मिनेंट भी बता सकता है कितना आएगा, ए का डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नाइन इंटू वन माइनस फोर टू जा एट, नाइन माइनस एट आंसर तो आया वन, ठीक है। अगर मैं बोला ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो क्या है वन टू, इसको कॉलम में बैठा दूंगा वन, सेकंड रो है आपका फोर नाइन, इसको बैठा दोगे कॉलम में फोर नाइन, तो ये क्या होगा रो का इंटरचेंज हो गया, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ध्यान देना है। तो ट्रांसपोज कुछ और नहीं होता है, फिर क्या करते हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, यही क्या कहलाता है आपका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज बन गया तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो क्या है, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालने बैठेंगे तो कितना आएगा, नाइन वन जा नाइन माइनस फोर टू से तब भी वही आए, तो आंसर क्या आया सेम आया। तो कहने का मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम को अगर हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपस जो है वही आएगा, यानी कि ए का डिटरमिनेंट और एक ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होते हैं सेम होते हैं, तो अगर आप इसको बदल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो सारे एकदम क्लियर होगा, कहीं भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम दिख गया तो आंसर जीरो है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी सभी एलिमेंट का जाए अगर जीरो जाए तो भी इसका डिटरमिनेंट जीरो आता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई डिटरमिनेंट है उसको आप इंटरचेंज कर दो रो को कॉलम बैठा दो तो भी उसके लिए आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, जो डिटरमिनेंट उसका था वही डिटरमिनेंट इसका भी आया। लेकिन अगर आप सभी एलिमेंट को चेंज ना करके किसी एक एलिमेंट को चेंज करते हो तब आपका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट में निगेटिव दे देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि ए, ध्यान से देखो क्या है, ए है अगर वन टू थ्री फोर टू एट जीरो फोर सिक्स, अगर मैं बोला कि इसको सिर्फ चेंज कर दो इंटरचेंज कर दो किसको फर्स्ट रो और फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब मैं क्या कर दूं फोर टू एट को चेंज कर दिया वन टू थ्री से रिप्लेस कर दिया तो जीरो फोर सिक्स, अब अगर मैं सॉल्व करूंगा ना आंसर, आंसर किस में आएगा, इसका जो डिटरमिनेंट सपोज करो एक्स आया, चलो इसका डिटरमिनेंट कितना है मान लो एल है, इसका डिटरमिनेंट अब कितना आएगा, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो माइनस का एल, कुछ समझे बात को, किसी भी एक रो को या किसी भी वन कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आंसर जो है आंसर में नंबर वही रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ सिंबॉलिकल चेंज होता है, यानी कि सिर्फ सिंबल में चेंज आता है,
अगर आंसर -10 आ रहा है तो +10 आएगा, 10 आ रहा होगा तो -10, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट सिंबॉलिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर सिंबॉल देखोगे तो दोनों का चेंज होगा। बात आई समझ में सबको? सर फर्स्ट को थर्ड से करेंगे तो भी कोई भी रो को चेंज कर रहा है। अभी देखो, अब मैं इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या किया था, अभी फर्स्ट को सेकंड चेंज किया था। अगर मेरा मन है फिर से क्या करूं, फर्स्ट को सेकंड फिर से चेंज करूं, अगर मैं इसको फिर से एक चेंज करूंगा तो फिर से जो नया मिलेगा फिर से माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से वो एल बनता है। इसीलिए तो तीनों को चेंज करोगे तो वापस हो जाएगा, जितने भाई जितने का मैट्रिक्स है ऑर्डर है उतने टाइम अगर रिप्लेस करते हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, वही आएगा, और अगर वन टाइम करते हो तो माइनस। अब ये सिर्फ रो के लिए नहीं है, कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है। कोई भी कॉलम को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए तो आपका चेंज हो जाएगा, इस कॉलम को यहाँ चेंज कर दिए तो हो जाएगा। बट याद रखो ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में नहीं थी। मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। हम लोग पढ़ कर आए हैं, ऐसा लिखते थे R1 इंटरचेंज R2, वहां पर हम चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हो। बट ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में चेंज करोगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा सामने। अगर आप डिटरमिनेंट समझ गए कि क्या है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट के बाद ही आता है आपका कोफैक्टर, ठीक है। डिटरमिनेंट से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम चांस आपका मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट से क्वेश्चन ना के बराबर है। बट इसका यूज पूरे लाइन में होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में, मैट्रिसेस, मतलब आप ये सब चीजें टॉपिक पढ़ रहे हो और डिटरमिनेंट नहीं आता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब डिटरमिनेंट एग्जाम में नहीं देगा लेकिन इसका यूज अगले टॉपिकों में होता है, इसीलिए डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो डिटरमिनेंट्स की मैं प्रॉपर्टी भी बता दिया, ठीक है। इससे ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दो ए और बी है, दो मैट्रिक्स या जो भी है उनका अगर हम प्रोडक्ट कर लें फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं तो आंसर हमेशा अलग अलग के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो समझे बात को, जैसे ए है आपका 1 2 4 6, बी है आपका 2 4 8 9। अगर मैं बोलूं ए डॉट बी तो फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल, तो अपन क्या करेंगे, ए का अलग से डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, बी का अलग से डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, वही आंसर आएगा। कितनी खास प्रॉपर्टी, हम बिना गुणा करे बिना प्रोडक्ट करे इसका डिटरमिनेंट निकाले, और डिटरमिनेंट का गुणा करना आसान होगा। तो यही हम बोलते हैं कि ए और बी अगर दो अलग अलग हैं उनका डिटरमिनेंट निकाल। हाँ बोलो। ए डॉट बी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ये डॉट ना, अभी डॉट प्रोडक्ट अपन गए नहीं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ये प्रॉपर्टी है, अभी प्रोडक्ट पे गए नहीं, ठीक है। ए डॉट बी अभी मैं सिखाऊंगा, प्रोडक्ट दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब आपको सिखाया जाएगा, अभी मैं नहीं बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जब तक नहीं पता है तब तक हम कैसे निकालेंगे, ए और डी डॉट बी का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके आंसर। हाँ सर, मैट्रिसेस बोलते हैं शुरू में, मैट्रिसेस ये है, ये इसी को अगर इस फॉर्म को मैं लिखूंगा ना तो ये मैट्रिक्स 1 2 3, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है लेकिन डिटरमिनेंट बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। हाँ, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो, सेपरेट करते हो या प्रोडक्ट करते हो, ऑलवेज एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, बट डिटरमिनेंट में नहीं। डिटरमिनेंट एक नॉर्मल, जैसे बोलते हैं ना 4 और 5 एक नंबर है, और ये क्या है प्लस, मतलब आप क्या करो एडिशन कर रहे हो, तो जस्ट वैसे ये एडिशन मतलब एक ऑपरेशन लगा रहे, 4 + 5 आप क्या बोलोगे 9 बोलोगे, ये क्या था एक नंबर, ये क्या था नंबर, इनके बीच में क्या लगा एक ऑपरेशन, आंसर क्या मिला 9। सेम ऐसे ये क्या है मैट्रिक्स, ये क्या है मैट्रिक्स, इनके बीच में क्या लगा दो कोई भी ऑपरेशन लगा, उस ऑपरेशन का नाम एक अलग से एक ऑपरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट निकाल, अपने आप में ये एक ऑपरेशन है, समझ गए, मतलब मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल। जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना, तो आप मैट्रिक्स को बीच में ऐड कर रहे थे, एक ऑपरेशन लगा रहे,
वैसे एक अलग से ऑपरेशन कौन सा है, डिटरमिन, बस अंतर यही है। मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो जब, अगर मैं आपको बोला ये क्या है बताओगे, क्या बोलोगे, 1 2 1 4 6 9, आप तुरंत ही क्या बोलोगे, कई बच्चों को देखा गया है। अगर मैं बोला ये इसकी वैल्यू बताओ क्या है, इसकी वैल्यू क्या बताओगे, ये है ए इक्वल एक मैट्रिक्स है जो 1 4 6 9, इसकी वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, ये मैट्रिक्स यही है इसकी वैल्यू। लेकिन गलती से अगर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, डिटर्मिनेंट लिख दिया, तो आपको इसको ऐसे ही नहीं खाली छोड़ना, इसको सॉल्व करके सामने वाले को वैल्यू बताना, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, किसी के ऊपर लग गया तो आपको पूरा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि वो 9 - 4 इक्वल ऐसा 9 - 30 जो भी है 24 ऐसा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, एक नंबर आता है, डिटर्मिनेंट एक सिंबल है, एक नोटेशन है जो एक नंबर देता है हमें। लेकिन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उसको आप ऐड करो, सबट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट तो एक प्रॉपर्टी हो गई ना, इसको सॉल्व करके निकाल कर आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो डिटर्मिनेंट कुछ समझ आया क्या बोलना, दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस है? क्लियर सर। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा बताओ, अब मैं एक चीज एक और एग्जांपल जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं दिया a = 4, मैं बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, ध्यान से मेरी वर्डिंग को समझो क्या बोला, मैं बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट आप क्या जवाब दोगे बताओ, कोई तो बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा? 16। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं सर? 2 होगा। आप वर्क करें, आपसे स्क्वायर टू होगा, स्क्वायर रूट बोला मतलब आप, स्क्वायर बोला मतलब एक का स्क्वायर कर, एक का स्क्वायर कर प्लस माइनस, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं, प्लस यस सर, ओनली 2 आएगा, समझ पा रहे होते? यस सर, यस। तो ये जो स्क्वायर रूट में बोला, वर्ड में बोला स्क्वायर रूट, तो ये किसी नंबर का निकालता है ना, इसका निकलेगा एक नंबर का, आप एक नंबर दोगे मैं इसका स्क्वायर रूट बताऊंगा। सेम वैसे डिटर्मिनेंट भी है, डिटर्मिनेंट भी क्या है, आप मुझे मैट्रिक्स दोगे मैं डिटर्मिनेंट दूंगा, बात आई समझ? डिटर्मिनेंट भी अपने आप में क्या है, एक ऑपरेशन है, जैसे स्क्वायर रूट क्या है, अपने आप में एक नंबर देता है, आप नंबर दोगे मैं स्क्वायर रूट करके दूंगा, वैसे आप मैट्रिक्स दोगे मैं डिटरमिनेंट करके दूंगा, तो डिटरमिनेंट मतलब उसको सॉल्व करोगे, सिंपलीफाई करोगे, समझ पाए हो? किसी को डाउट? क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग से जनरल पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर लिखा हूँ, बराबर लिखा हूँ कैसे? हाँ 2 आएगा ना, प्लस माइनस 2, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस? सर पहला में प्लस माइनस 2 आएगा, सर पहले में रूट 4 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 2 आएगा। Very good, इसमें आएगा प्लस माइनस, इसमें आएगा ओनली 2, समझ गए? हर्ष माइक ऑफ कर दे भाई, डबलिंग हो रही है भाई। हाँ वैसा क्यों हो रहा है सर, कोई माइक ऑन कर, ठीक है सर, चलो ओके। यहाँ पर देखो लिखा हूँ x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब आप x की जगह x का स्क्वायर इक्वल टू 4 बोल रहा हूँ, मतलब आप x की जगह क्या क्या वैल्यू पुट करोगे कि आपको आंसर 4 आए, तो आप x जगह अगर 2 पुट करते तो भी आंसर 4 आता है, -2 पुट करते तो भी आंसर 4 आता है, ठीक है? कई लोग सोचते हैं दोनों सेम लिखा है, दोनों अलग अलग बातें बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू प्लस रखो 2 या -2 रखो, आंसर 4 मिलेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू ही ऑलरेडी क्या है, रूट 4 है, इसका मतलब यहाँ पर ऑनली इसको बस सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व बाहर निकालोगे तो ऑनली 2 ही आएगा, समझ गया ना, दोनों अलग अलग चीजें, इसको हड़बड़ी में ध्यान देना है।
अपन पढ़ रहे थे अभी डिटरमिनेंट, तो वो चीज आप लोग को क्लियर हुआ कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट एक नोटेशन है, यानी कि प्रोसेस है जो एक मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करके देता है, सिंपलीफाई करके निकाल, ठीक है। तो डिटरमिनेंट तो यही चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहां से ए डॉट बी सिखाया था आपको क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट डॉट बी का डिटरमिनेंट निकाल लो, आपस में बराबर होते हैं। बात आई समझ में? इसी प्रकार इसके बेस पे अगर मैं बी को रिप्लेस कर दिया, अगर आपसे बोला बी के जगह ए डाल दो, तो यहां पर क्या बनेगा बताओ, लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए, तो यहां पर क्या मिलेगा, ए का डिटरमिनेंट डॉट ए का डिटरमिनेंट, पता है क्या बनेगा, ए का डिटरमिनेंट इस ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ए डॉट डिटरमिनेंट ए, क्या बोलोगे इसको, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है, ए डॉट ए करना जटिल हो जाएगा, ए डॉट ए करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना महंगा पड़ेगा। आप क्या निकाल लो, ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, वो आसान रहेगा, ये तो एक नंबर होगा, नंबर की पावर करना आसान होगा। मतलब वो आपसे ऐसे देगा एग्जाम में, ऐसा देगा क्या क्वेश्चन, कैसे देगा, बोलेगा ए कोई मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट कितनी है, फाइव है। फिर पूछेगा आपसे बताओ ए की पावर फाइव का डिटरमिनेंट क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर फाइव का डिटरमिनेंट, तो आप क्या करोगे, और अलग से ए भी दिया है मान, हाँ तो अलग से ए भी दे दिया मान, तो बोल देगा ऐसा समथिंग है, यहाँ यहाँ ये है, इसका डिटरमिनेंट ये है। तो ए की पावर फाइव करना मतलब ए को पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चलते वो हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ए की पावर फाइव का डिटरमिनेंट करना या ए के डिटरमिनेंट की पावर फाइव करना, ये ज्यादा बेटर है। तो इसको क्या करेंगे, फाइव की पावर फाइव करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका इससे सोल्यूशन हो जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, कि ए की पावर जितनी भी पावर करनी हो, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए की पावर एन का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, ए के डिटरमिनेंट की पावर एन के बराबर आएगा। ये अपने आप में बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये याद रखें, ए की पावर एन का। तो वो देखो अब क्वेश्चन वो डिटरमिनेंट में नहीं देगा, वो आपको कैसे देगा, ए कोई मैट्रिक्स देगा, बोलेगा देखो 1 2 4 8 है, ध्यान से देखो मैट्रिक्स है। अब बोलेगा ए की पावर 6 का डिटरमिनेंट बनाइए, कितना आएगा। तो आप अगर क्या करोगे, अरे जी चलो यहां दे देता हूं, अगर आपसे क्या, कई बच्चे क्या करेंगे इसको ए की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यू निकालेंगे, ए की पावर 4 निकालेंगे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना आपका जबरदस्ती का। जबकि सीधा से तब पूछ रहा था ए की पावर का डिटरमिनेंट, तो आप क्या निकाल लो, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, फिर उसका 6 पावर कर दें इस प्रॉपर्टी से। ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 8 - 12 है ना, और ये कितना देगा आपका माइनस का 4। तो माइनस 4 की पावर क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट ऐसे करेंगे ना, ए की पावर 6 के बराबर होता है, इसको माइनस 4 की पावर 6 करेंगे, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की पावर 6, अब 4 × 4 × 4 × 4 कर लो, 16 × 16 = 32 हो जाएगा। समझ आया कुछ, इसका यूज कैसे करना है हम लोग को? यस सर, यस सर। कई बार ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी दे देता है, हाँ ए स्क्वायर भी दे देता है, है ना, तो इन जनरल वो ऐसे ही देते हैं क्वेश्चन, गेट वगैरह में ऐसी क्वेश्चन उठा के देता है, ताकि वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, वो सॉल्व करने बैठ जाएगा, टाइम लगा देगा, और जो सॉल्व कर लिया वो तड़ से बना लिया। तो डिटरमिनेंट में तो मात्र यही सब थे जो मैं जितना था बेसिक वो सभी चीजें बता दिया। अगर आपसे दो डिटरमिनेंट का ऐड करने बोले तो कैसे करोगे बताओ, मान लो ए और बी का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, तो इसको कैसे करना है, आप क्या निकाल लोगे, ए का डिटरमिनेंट जोड़ लो प्लस बी का डिटरमिनेंट जोड़ दो, आंसर बराबर आएगा। हालांकि नॉर्मल है, जोड़ सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, जैसे
का डिटरमिनेंट दिया है, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 4 6, बी एक दिया हुआ है, इसको अगर डिटरमिनेंट में ही बनाऊंगा तो चलो डिटरमिनेंट बना देता, ऐसे लिख दिया यहाँ 1 2 8 0, और बी में दे दिया हुआ 9 2 4 8। वही नॉर्मल ऐड कैसे करते हैं, पहली बात तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पर जरूरी है क्या ऐसा बताओ, मैट्रिक्स के लिए रूल था, याद रखना है यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए रूल था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, इसको भी निकाला जा सकता है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट और आंसर ऐड कर दो, बट आपसे ये कभी पूछेगा भी नहीं कि डिटरमिनेंट का सम कितना होता है, वो मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से पूछेगा, डिटरमिनेंट का सम नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद आता है आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर बस जान लो क्या होता है, कोफैक्टर एलिमेंट्स से निकलता है, कोफैक्टर किससे निकलता है, एलिमेंट्स, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, यहाँ पर है 1 2 9 8 4 6 2 8 2 8, तो कोफैक्टर कितने निकलेंगे, टोटल 9 कोफैक्टर निकलेंगे, a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33, 9 कोफैक्टर निकालेंगे, एक तो बता रहा हूं, जैसे मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ 4, ऐसा मतलब आप सब पूछ रहे हैं 4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर का मतलब आपको बस 4 को क्या करना है, रिमूव करना है रो को और कॉलम को, क्या बचेगा, इसको इसको ऐड करोगे तो 1 9 2 8, बस सॉल्व कर लो, 8 माइनस 18, ठीक है क्या आएगा, माइनस करते हैं, कोफैक्टर समझ रहे हैं, जिस एलिमेंट का बोलेगा उसका निकालें, ऐसे कितने निकाले जा सकते हैं, 9 कोफैक्टर निकाले जा सकते, तो माइनर क्या होता है, माइनर क्या होते हैं, -1 की पावर में आई प्लस जे कोफैक्टर, ठीक है, अगर मैं बोलूं माइनर निकालो कि इसका माइनर ऑफ 4, अगर मैं बोलूं 4 का माइनर बताओ, तो 4 को पहले पोजीशन चेक करूंगा, कौन से पोजीशन पे है, 2 2, तो -1 की पावर में 2 प्लस 2, 4 लिखूंगा इनटू सब को फैक्टर निकालूंगा, को फैक्टर ये देखो निकाला हूं कितना है, माइनस का 10, तो -1 की पावर 4 मतलब 1 इनटू -4, ये कितना आ गया माइनस का, मतलब माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, बस इसमें ऐड हो जाता है, देखो माइनस बराबर करता है -1 की पावर में आई प्लस जे इनटू को फैक्टर, और को फैक्टर कहता है बस उसको हाइड करके डायरेक्ट निकाल दें, को फैक्टर और माइनर ये सारे नॉनो निकल सकते, जितने एलिमेंट उतने को फैक्टर उतने माइनस, समझ आया बात को, क्लियर हुआ सर, -10 लिखेंगे ना अपने, -4 लिख दिया गलती से, हां मिस्टेक से लिख दिया, -4 आया, तो -10 इसका आंसर आ गया, समझ आ गया क्या, को फैक्टर कैसे निकलते हैं और माइनस कैसे निकलते, यस सर, हम लोग पता है माइनर के बेस पे भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अगर मैं इसका माइनर निकालूं, इसका माइनर निकालूं, इसका माइनर निकालूं, तो देखो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, तब आपका डिटरमिनेंट ये बन जाएगा, अगर माइनर के बेस पे जाएगा, कभी कभी क्या होना क्वेश्चन घुमा के देता है, बोलेगा माइनर ऐसे एग्जाम में दिए रहेगा, माइनर को एम से डिनोट करते हैं, तो मान लो दे देगा M11 दिया हुआ 4, M12 दे दिया 6 और M13 दे दिया हुआ 8, फाइंड डिटरमिनेंट, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, क्या करेंगे फार्मूला क्या होगा डिटरमिनेंट का, मान लो ये ए है तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो फार्मूला क्या बनता है, और माइनर तो आप निकाल ही चुके हैं, उसमें बस मल्टीप्लाई किसका करना है, सामने 1 1 1 2 1 3 एक रो का दिया हुआ है, तो ये लिखते हैं a11 (-1, 1) + a12 (-1, 2) + a13 (-1, 3). आता ही समझ में, सबकी वैल्यू बस यहाँ a11 मतलब 1 डॉट, माइनर इसका निकाल ही चुके हो 1 1 का, वो लिख दो और ये लिख दो सर का, ये इसका माइनर है, इसे डिटरमिनेंट यहाँ से दिया है सर, माइनर और कोफैक्टर में साइन का फर्क होता है ना, बस माइनर और कोफैक्टर बस 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 साइन, हाँ ओनली साइन का फर्क होता है, कई कई तो सेम हो जाते हैं, कई तो
वही आ जाता है, जैसे इवन वाला जो रहता है माइनस वन की पावर टू वाला, माइनस वन की पावर फोर वाला, माइनस वन की पावर सिक्स वाला, ये सारे जो है कोफैक्टर के ही आ जाता है, जो कोफैक्टर है वही आया, जो ऑड रहते हैं वही वाला प्लस माइनस चेंजेस होता है। सर कोफैक्टर डुअल ऑर्डर में भी रहता है क्या सर? जैसे सर ये 3/3 दिया हुआ है, क्या 2/2 भी कोफैक्टर जैसे सर ये 3/3 दिया हुआ है? हाँ। देखो ये वैसे ही निकालेंगे ना, दिक्कत क्या? देखो एक इसका को फैक्टर अगर निकालू बोलू, को फैक्टर बताओ वन का, तो वन का मतलब ये वन वन भी बोल सकता है या वन बोल सकता है, तो ठीक है ना। अब इसको गायब करो ना, इसको हाइड करो, ऐसे ऐसे हाइड कर दो, क्या दिख रहा है? फोर, फोर लिख दो, को फैक्टर ऑफ ए वन टू निकालोगे, ए वन टू मतलब इसको हाइड कर दो, इसको ऐसे कट करो, इसको कट करो, कौन दिखाई देगा? हाइड करना मतलब ऐसे ऐसे गायब करोगे तो एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है एक ही लिख दो ना, दिख सकते हैं को फैक्टर ऑफ 2 1 का निकालोगे, तो 2 1 का मतलब इसको हाइड करोगे, इसको किसको हाइड करोगे? ये वाली लाइन कटेगी, ये वाली लाइन कटेगी, ऑनली क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बैठा है? 2 है, तो अपन कट इसको इसको कर रहे हैं तो 2 आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 बैठा है तो ए 2 2 का फोर फैक्टर कितना आएगा? 1 है। माइनर निकालोगे तो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, जैसे माइनर बताओगे तो 1 1 2 होता तो यही रहेगा, 2 1 3 होता तो -6 हो जाएगा, और 2 1 -2 होता, 1/1 के यही हो जाएंगे, सिंगल जो एलिमेंट है वही आएगा, समझ आया ना? सर वहाँ माइनस होगा ना, a11 into m11 के बाद माइनस होगा ना? a11 इन, हाँ ये वाला a12 एंड a21 वाला माइनस हो जाएगा, माइनस को फैक्टर तो यहाँ पर, हाँ नहीं यहाँ नहीं होगा, अपन माइनस निकाल लिए, नहीं तो एडिशन का माइनस है वो तो, ये यहाँ पर माइनर क्यों निकालनी है? अलग से माइनर में तो प्लस माइनस आ ही गया है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑनली डायरेक्ट करते हैं प्लस बना के, प्लस माइनस तब करते हैं जब अपन माइनर यही निकालते हैं। अब माइनर आप अलग से निकाल ले तो माइनर में तो माइनस वन की पावर चली गया है, वहां से तो माइनस हो ही जाएगा ऑलरेडी, बात आई समझ में? ओके सर, सर क्योंकि देखो अपन माइनर जब निकाले होंगे a12 m12 तो अपन तो वहाँ ऐड किए होंगे ना, ऐसे माइनस वन की पावर में 1 + 2 तो ऐड वहाँ सॉल्व कर ही होंगे, वहां से वो माइनस में आया होगा, वो नंबर यहाँ बैठाना है, यहाँ पर जब माइनर दिया रहता है ऐड डायरेक्ट आप करो, माइनर अगर यही निकालोगे तो आपको प्लस माइनस मिल जाएगा, बात आई समझ में? तो इसीलिए तो बोल रहा ना, यही सब तो ट्रिक वहां पर, जब आंसर तो हो गया ना, जैसे मान लो सपोज करो इसका आंसर आ रहा है प्लस 4, कई लोग इसको वो इन लोग जो बनाने वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं तो यहाँ माइनस लगा के सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आता है 6, तो लोग ना सब जानते हैं, कई बच्चे यहाँ माइनस लगा देंगे गड़बड़ी में, तो उसके हिसाब से भी आंसर देता है, तो बच्चे लोग क्या, अरे हाँ 6 आ गया ठीक कर दो, ऐसी गलती नहीं दोहरानी हम लोग को वहां पर, है ना, क्योंकि मौका एक बार मिलेगा, एक बार से ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, अब बोलोगे कि बार बार थोड़ी ना पेपर दो, एक ही बार दो क्वालिफाइड करो, डबल डबल 3 बार 4 बार क्यों करोगे? तो आपके जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक कभी कभी 5 आता है, 5 से 7 8 9 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जहां से अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो सब पढ़ लोगे ना, तो आप बिना पढ़े भी जाओगे ना तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही अटेंड कर दो, और वो भी एकदम इजीली तरीके से, अरे हाँ अरे ये तो ऐसी बन जाए, क्वेश्चन देखोगे तो आप बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चन के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी आप बना पाओगे, बाकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके ऐसे देखे हुए तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे ये बन जाएगा, बन जाएगा। इन चार ही उससे समझ आ गया इससे क्या चीज, ये जो चार लिखे हुए इन्हीं से आएंगे उस क्वेश्चन, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स? नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, ये ओनली मैं लीनियर अलजेब्रा करता हूँ, इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपका लीनियर अलजेब्रा है, अभी कैलकुलस है ना, तो सारे टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो, ऐसा सिर्फ ये इतने टॉपिक नहीं है आपको, ये तो यूनिट 1 का एक टॉपिक है जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक, लेकिन यहाँ से गारंटेड है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक एक से दो क्वेश्चन आते हैं,
सर आइगन वेक्टर और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आते हैं, ये दोनों ही से आते हैं। हाँ हाँ वही, यही यही दोनों से आते हैं एकदम एकदम खास। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये एकदम मतलब करके जाना है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, चाहे सीएस वाले का उठाओ है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का उठाओ, कहीं का भी उठाओगे सब में देखोगे ना आइगन वैल्यू आइगन। और मैं चाहूंगा कि आप उनके भी क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप माइनिंग के क्वेश्चन जो देख रहे हो माइनिंग में ही आए हुए, आप सारे क्वेश्चन उठाओ उनके भी टॉपिक होगा। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जितना करोगे, जितने सवाल बनाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन ऐसे बनते चले जाएगा। समझ गए बात? यस। तो डिटरमिनेंट तो लगभग लगभग हो गया है पूरा, इसमें कुछ कोफैक्टर और माइनर थे वो भी बता दिया, तो मान के चलो कि डिटरमिनेंट पूरा फिनिश टॉपिक हो गया। अभी हमारा टॉपिक अब अगला क्या रहेगा, एक और टॉपिक है जो है क्रैमर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना डिटरमिनेंट के मेथड, जिसको हम लोग क्रैमर रूल्स बोलते हैं। एक वो मेथड बचा है बस, बाकी तो मतलब डिटरमिनेंट पूरा फिनिश हो चुका है। उसके बाद मान के चलो कि कल वो बता दूंगा और एक मैट्रिक्स बता स्टार्ट कर दूंगा। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स थोड़ा टाइम लेगा, दो तीन लेक्चर में जाएगा। तुम्हें क्लियर है क्या बोला मैं?